वॉचिंग खबर फेस टू फेस। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। दर्शकों इस समय हम मौजूद है आगसा बीच, जहां पर भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई है और हमारे साथ शिवसेना गुट के विभाग प्रमुख लाल सिंह राजपुरोहित जी है। आइए हम उनसे बात करते हैं। नगरिया दूर है, जाना ज़रूर है। आज भोले भक्त जो है जगह जगह से आ रहे हैं और जल चलाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाल सिंह जी। लाल सिंह जी से बात करते हैं। लाल सिंह जी, जिस तरीके से हर जगह आपका भोले भक्तों के लिए आपके तरफ से प्रसाद बांटा गया है, कहीं पानी का इंतज़ाम किया गया और कहीं केलों का इंतज़ाम किया गया, कहीं नमकीन बिस्किट का इंतज़ाम किया, कहीं चाय का इंतज़ाम किया, क्या कहना चाहते हैं सर? पूरा उत्तर मुंबई बोलबम के नारों से गूंज उठा है। हर साल सावन के महीने में यह यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा। 2012 से इसकी शुरुआत हुई, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के माध्यम से ही हमने शुरुआत की थी। आज इसका स्वरूप बहुत बड़ा हो गया है और चारों बाजू से लोग कांवड़ यात्रा के लिए आते हैं और अपनी भक्ति शंकर भगवान के लिए जो भक्ति है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। आप भी वहाँ से आ रहे थे तो आप भी दर्शन करके आए हैं? हम भी दर्शन करके आए, किलेश्वर महादेव के दर्शन किए, एक एरंगल गांव में ओमकारेश्वर मंदिर है, एक नागेश्वर मंदिर है। इस बार हमने ये यात्रा तीन जगह डाइवर्ट की है। कुछ लोग किलेश्वर जा रहे हैं, कुछ लोग ओमकारेश्वर जा रहे हैं, कुछ लोग नागेश्वर जा रहे हैं। सर उसकी क्या वजह है कि तीन जगह डाइवर्ट की? बहुत ज़्यादा रश होने लगा था एक ही जगह पर, तो उसको डाइवर्ट किया गया कि भाई ताकि लोगों को अच्छे से दर्शन होवे और बाकी के जो मंदिर है उनको भी थोड़ा अच्छा, मतलब पब्लिक के जाने से वहाँ भी सुविधाएं सबको मिले और मंदिर को भी अच्छा एक, मतलब परिसर साफ सुथरा रहे, प्रशासन ध्यान देवे, इसलिए ये कदम उठाया गया। हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस व्यूवर्स को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आज शंकर भगवान की भक्ति में सब लोग सरोबार है तो बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बस यही एक मैसेज है। करीबन 20,000 लोग आते हैं टोटल। ये जब शुरुआत हुई थी 2012 में तो सिर्फ 200 लोग से शुरुआत हुई थी, आज इसका स्वरूप 20,000 तक पहुंचा है और धीरे धीरे यह बढ़ता ही जा रहा है, हर साल यह बढ़ता ही जा रहा है। देखा गया बिना चप्पल के लोग कड़क धूप में चलते हुए जा रहे, कितनी है बाबा के प्रति इनकी भक्ति। आप देख रहे हो मुंबई जैसे शहर में एक भागती दौड़ती जिंदगी है, उसमें भी समय निकाल कर जो भक्ति का परिचय देते हैं भक्तजन, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे, मतलब माएँ अपनी गोद में लेके बाबा की नगरी जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैंने अभी कहा कि भक्ति भक्ति में इस तरीके से डूबे हुए हैं कि बच्चे बूढ़े माताएँ बहनें सब इसमें लगे हैं और सावन का पवित्र महीना है तो जल चढ़ाने का एक जो बरसों से जल चढ़ाने का महत्व है कि सावन के महीने में शिव जी को अगर जल चढ़ाएंगे तो अपनी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी, बस इसी भक्ति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं इन लोग। आज ये सावन का लास्ट है? नहीं, लास्ट नहीं है, अधिक मास होने की वजह से सावन अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा। तो यह एक महीना चलेगा? एक महीना चलेगा। तो लगातार हर सोमवार को इस तरीके से? कहीं कहीं कुछ लोग जो बचे रहेंगे उन लोग आएंगे, बाकी आज जो एक जो मेन जो कांवड़ यात्रा होती है वो आज ही के दिन थी। किस तारीख को? नागपंचमी का दिन है आज और आज ही के दिन यह अच्छा दिन देखकर आज के दिन रखी गई। बहुत बहुत धन्यवाद।
हार्दिक 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 स्वागत, हार्दिक स्वागत मेरे भक्तों से, मेरे क्षेत्र एक से एक बार प्रेम से बोलेंगे किल्लेश्वर महादेव की।